नमस्कार, पीसीए न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं। फारूक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए और मुझसे बात करने का अवसर दिया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहली बात मैं करूँगा, इस समय जो पोलिटिकल सीनैरियो हमारी स्टेट का चल रहा है, ठीक है, एक तरफ तो लेह लद्दाख का और दूसरा कोरोना की मार, और स्टेट में जो सिस्टम इस समय बना हुआ है उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा ये सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया है, एक रियासत जो रियासत थी, यहाँ तो पहले रियासतों को कभी यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया जाता, बल्कि यूनियन टेरिटरीज को रियासत बनाया जाता। पहली तो गलती ये है। दूसरी गलती ये है कि एडवाइज़र्स हैं, वो घूमते ही रहते हैं, कुछ करते नहीं। कहते तो बहुत कुछ हैं मगर ज़मीन पर कुछ नहीं है। आप देखिए बेकारी किस तरह बढ़ रही है, आप देखिए यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनका हाल देखिए, जो ये डेली वेजर्स हैं उनका हाल देखिए, बेचारे फांसी चढ़ने के लिए तैयार बैठे हुए क्योंकि घरों में कुछ भी नहीं है। हर तरफ से बदअमनी है, और उसके ऊपर जो लद्दाख का इस समय बना हुआ है, पाकिस्तान की सरहदों पर जो गोलियां बरस रही हैं, हर तरफ से एक माहौल घबराहट का है। और इसको अगर हमने जीतना है तो पहले हमें वो कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी जिससे कि हम लोगों के दिलों को जीत सकें। वो हो नहीं रहा। यहाँ तो कह रहे थे कि यहाँ तो सोने की नदियाँ बहेंगे, सड़कें होंगी, ये होगा वो होगा। मैंने कोई भी, जब से 5 अगस्त से, मुझे ये बताइए कौन सा इनने प्रोजेक्ट किया है जिसमें इनने काम किया है? आप हमारी सड़कें ही देख लीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए। आज देखिए जम्मू की बिजली का हाल देखिए कि आज गर्मी 44 डिग्री में पहुंची हुई है और जम्मू में बिजली नहीं है। लोग हाय हाय कर रहे हैं, कोई टस से मस नहीं हो रहा। अगर लोगों की सरकार होती, आज उन्होंने MLA के घर पर धरना दिया होता, मिनिस्टर को कुर्सी से उतार दिया होता। ये था डेमोक्रेसी का मकसद, अकाउंटेबिलिटी है। आज कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज ये बैठे हैं आराम से, अफसरशाही चल रही है, जितना मर्जी है जो चाहें कर रहे हैं, लूट लगी हुई है हर तरफ। 370 जब टूटा, 370 टूट गया, स्टेटहुड चली गई, उसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? उसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि साहब हमारी जमात ये कहती है जो उनने 5 अगस्त को किया वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ हुकूमत होती, हुकूमत उसका फैसला करती तो हम मानते हैं, असेंबली इसका फैसला करती तो मानते हैं। आपको लगता है कि ये पूरा प्री प्लान्ड हुआ? ये पूरा प्री प्लान्ड है। ये तो BJP का बेसिक एम ही था जब से BJP थी, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उनको हर वक्त ये खटकता था कि जम्मू कश्मीर क्यों तरक्की कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जब आज़ाद साहब ने वो फिगर्स दी पार्लियामेंट में, और गुजरात को, जिसे वो कहते थे कि सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है, और रियासत जम्मू कश्मीर को कंपेयर किया, उसमें ये दिखा कि जम्मू कश्मीर गुजरात से आसमान ज़मीन का फर्क है, हम इतने आगे तरक्की कर गए। फारूक साहब, आप कैसे समझते हैं कि मतलब 370 टूटने से नुकसान क्या होगा हम लोगों को? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, अभी ये 2202 कानून लाया, क्या था उसका मकसद? कि यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज लाई जाए, कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही पीछे रह जाए और बाहर से जो बच्चे आएंगे वो नौकरियाँ ले लेंगे। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? फिर हमारी ज़मीनें जो थी हम उनके मालिक थे, अब हमारी ज़मीनों का मालिक तो वही हो जाएंगे क्योंकि गरीब हैं, वो बेच डालेंगे। ज़्यादा असर हम पे यहाँ कश्मीर में नहीं पड़ेगा मगर जम्मू में ज़रूर पड़ेगा। जम्मू के लोगों को हम बार बार कहते थे कि भैया ये तुम्हारी ज़मीनें खा जाएंगे, तुम लोगों को पहाड़ों पर जाना पड़ेगा जैसे पहले लोग गए थे जब बेगारी में ले जाते थे, तुम्हारी ज़बान जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, छोटे टोटल डोगरी कल्चर जो है वो मिट जाएगा। हम कहते रहे मगर उनमें उनको समझ नहीं आई। वो ये समझ रहे थे हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, जबकि वो ये जानते थे कि अगर हमने पाकिस्तान में जाना था तो 47 में हमें कोई रोक नहीं सकता था। हमने उस वक्त हिंदुस्तान का हाथ पकड़ा क्योंकि हम दो नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करते थे, हम समझते थे कि हिंदुस्तान सबका मुल्क है।
मुसलमान का, हिंदू का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जो भी रहते हैं। सर चलो अब आपने बात छेड़ दी, मैं इस बात को बार बार मतलब कश्मीर के मुस्लिम को क्यों ये हिसाब देना पड़ता है कि मैं जो हूँ मैं नेशनलिस्ट हूँ। आप बार बार बोलते हैं मैं नेशनलिस्ट हूँ, आपने बड़े बड़े डिबेट्स में सब जगह बोला मैं नेशनलिस्ट हूँ, इसका मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ये बार बार कश्मीर के मुस्लिम को क्यों हिसाब देना पड़ता है? क्योंकि हमारे दुश्मन इतने बैठे हुए हैं मुल्क में कि वो हमें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम पे आरोप लगाते हैं कि हम हिंदुस्तानी हो नहीं सकते। जबकि मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, इनको ब्रिगेडियर उस्मान याद रखना चाहिए, वो मुसलमान था जब 47 में लड़ाई हुई। बिल्कुल। और तब नौशहरा के अंदर वो कमांडर था, ब्रिगेडियर था, और उसने आगे जाके, जबकि ऑफिसर आजकल पीछे रहते हैं कमांडर्स, वो आगे सेंट्रल लाइन पे था और लड़ रहा था। तो क्या उस पर शक हुआ है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है? बहुत बढ़िया सर। यूनियन टेरिटरी दो बनाई गई, स्टेट को दो हिस्से कर दिए गए, एक जम्मू को कश्मीर को अलग बना दिया, जो इस समय चाइना का और इंडिया का जो कन्फ्यूज़न वहाँ पर ले में चल रहा है, आपको लगता कि यूनियन टेरिटरी बनने से उसमें कोई असर पड़ा, उसकी वजह से ये चीज़ें आई हैं? बिल्कुल, चीन तो कह रहा है कि तुम लोगों ने जो ये ख़त्म कर दिया है तो हमें हक है कि हम अपना ये जो टेरिटरी है हम इसको अपना समझते हैं, क्योंकि एक संधि हुई थी उस बिल्कुल समय। बिल्कुल, अब उस वक्त असेंबली थी, उस वक्त ये कर नहीं सकते थे, ये रुक गए थे क्योंकि जोर था हम लोगों का। अब ये जवाब दें उनको, चीन को जवाब दें। तो आप समझते हैं सर इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है, हमारे आर्मी के जवान भी मारे गए, अफसर तक मारे गए, तो मतलब अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो आप इसको मतलब मानते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन बननी चाहिए या इसको रोक देना चाहिए अभी? अभी देखिए हमारा मुल्क इस वक्त एक बहुत मुसीबत से गुजर रहा है, हमारी इकोनॉमी बहुत गिर गई है, बहुत गिर गई है। यानी अगर पेट्रोल का ही आप देखें और डीजल का देखें, दुनिया में वो नीचे जा रहा है, ये ऊपर ले जा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। अगर ये हालत है, गुरबत इतनी बढ़ रही है कि खाने को नहीं है लोगों के पास, और अगर हम इस वक्त जंग करेंगे तो मुझे बताइए हम क्या कोरोना वायरस से लड़ेंगे या चीन से लड़ेंगे या गरीबी से लड़ेंगे? हुकूमत हिंदुस्तान को ये फैसला करना पड़ेगा, क्या वो इसलिए तैयार हैं कि यहाँ के गरीबों को मिटाना है, हिंदुस्तान को मिटाना है? अगर वो करना है तो जो मर्जी है करें जंग, मैं तो रोक नहीं सकता इनको, मगर जंग करना बहुत गलत होगा। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज एक ऑल पार्टी मीटिंग लगाई है इसके ऊपर, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा लेगी उसमें? जी उसमें ये था, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने कहा कि सिर्फ जिनके 5 मेंबर हैं पार्लियामेंट में उन्हीं से मीटिंग करेगी। यानी वो भूल गए कि सारे कश्मीर वादी के 3 मेंबर हैं उनको अलग कर दिया, जम्मू के 2 मेंबर हैं उनको अलग कर दिया, लद्दाख का 1 मेंबर है उसको अलग कर दिया। यानी जम्मू कश्मीर की रियासत के किसी भी शख्स से उन्होंने पूछा नहीं, तो ये नहीं दिखा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानती। तो पूरी की पूरी डिस्क्रिमिनेशन आप बोलेंगे? बिल्कुल पूरी डिस्क्रिमिनेशन ही, मैं समझता हूँ कि वो समझते हैं हम उनका हिस्सा है ही नहीं। अगर वो ही समझते हमारा हिस्सा है तो हम लोगों को बुलाते, हमसे पूछते, क्योंकि हमारी धरती पे इस वक्त हमला हो रहा है, हम जहाँ पर हैं। एक चीज़ और पूछूंगा सर, डेली वेजेस का बहुत बड़ा इशू है, थोड़े दिनों बाद वो लोग स्ट्राइक पे भी जा रहे हैं, तो क्या आपकी हुकूमत आती है तो डेली वेजेस के लिए कुछ सोचा जाएगा? क्यों नहीं सोचा जाएगा, आखिरकार वो इस रियासत का हिस्सा है। डेली वेजर बन गए क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं, मगर डेली वेजर्स का हमने ये प्लान बनाया था कि ग्रेजुअली वील एम्प्लॉय दम एंड ब्रिंग दम बैक इनटू अ परमानेंट सर्विस, वो हमारा पहले से प्लान था। मगर आज जो हालत है, जिस तरह से इन्होंने इन डेली वेजर्स की बर्बादी का माहौल बना रखा है, मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर यहाँ पे कभी भी ऐसी सूरत बन गई, यहाँ पुलिस और फौज कोई कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि गरीब जो है वो डेली वेजर है, और उसके लिए इनको सोचना चाहिए और फौरन सोचना चाहिए। सर एक क्योंकि आपके साथ बार बार मौका नहीं मिलेगा, मैं सारी चीज़ों को लूँगा, 4G एक बहुत बड़ा मसला है हमारी स्टेट में, और
अगस्त से लेके अब तक 4G के मसले पे हमने भी बड़ी बार बोला, जम्मू भी बोलता रहा, कश्मीर भी बोलता रहा है, 4G के मसले पे क्या कभी सेंटर में भी बात हुई, या आप इसके लिए क्या बोलते हैं? मैं तो ये कहता हूँ भैया, दुनिया में अब 5G पे बात पहुँच गई है और हमें 2G पे रख दिया है। क्या भरोसा नहीं रहा मुल्क के लीडरों को कि इस वतन पे, जम्मू पे, कश्मीर पे, लद्दाख पे, बस नहीं है इनको भरोसा? भैया आज सैटेलाइट हर जगह घूम रहा है, 4G से इनको डर क्या लग रहा है? मुझे अफसोस है, एक तरफ से वज़ीर आज़म कहते हैं हम लोगों ने आगे जाना है, तरक्की करनी है, और ये जो 4G छोड़िए, हमें 5G पे जाना है, उसके आगे जाना है, और हम लोगों को इन्होंने 2G पे रख दिया, और हमारे बच्चे इस वक्त बर्बाद हैं, वो अपनी तालीम पूरी नहीं कर सकते, हमारे बिजनेस वाले पूरा काम नहीं कर सकते, क्या करना चाहते हैं? मैं वज़ीर आज़म से आपकी चैनल से दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके वो पुरानी सोच छोड़ दीजिए और यहाँ के लोगों को 4G दीजिए कि लोगों को लगे कि ये सचमुच उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें इंसाफ होगा। एक चीज़ सर, जम्मू में इस समय जो सबसे ज़्यादा जिसमें टोल चल रहा है वो है टोल प्लाज़ा, मतलब एक टोल प्लाज़ा सरोर में लगाया गया, अभी एक टोल प्लाज़ा लखनपुर में लगा रहे हैं और एक अखनूर में तैयारी की जा रही है, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, टोल प्लाज़ा ठीक था, सड़क के लिए ज़रूरी था कि आप रेवेन्यू लाते हैं, सड़क को मेंटेन करते हैं, मगर पहले इनसे पूछिए उन सड़कों का हाल क्या है, या तो हमें यूरोपियन सड़कें बना दें और फिर हमें टोल लगाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर हमारी गाड़ियां रोज़ इनके रोडों में टूट रही हैं। यानी आज देखिए, पानीहाल का ही रोड देख लीजिए आप, जो हमारी मेन, जिसे हम शाहराग कहते हैं, हमारी और कोई रास्ता नहीं है, वो हफ्तों ही बंद हो जाती है और फिर टोल लगा रहे हैं आप, किस लिए? मैं समझता हूँ ये गलत है, अगर मैं हुकूमत में होता मैं कभी इसको लगने नहीं देता। एक चीज़ और पूछूंगा फारूक साहब, आपको जब 370 एक्ट तोड़ा गया, आपको और उमर साहब को डिटेन कर लिया गया, आपको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, वो समय कैसा रहा? देखिए, मुझे हैरानी तो इस बात की हुई कि एक दिन पहले हम वज़ीर आज़म से मिले, मैं था, उमर साहब थे और हमारे MP थे मसूदी साहब, और बहुत अच्छी तरह से वज़ीर आज़म से बात हुई, कोई उनने इसका हमें ये नहीं दिखाया, जबकि मैंने उनसे खुद कहा कि यहाँ जो फौजें आ रही हैं और इस तरह आ रही हैं, कि ये मेरी सोच में नहीं है, इसकी ज़रूरत क्या है, कौन सा, क्या हमें पाकिस्तान से लड़ाई करनी है? उस वक्त तो पाकिस्तान का ही था, चीन का तो कोई था नहीं, तो क्या पाकिस्तान से लड़ाई करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं था ऐसा। और जब हम यहाँ पहुँचे उसी दिन ये हो गया, हमें अंदर कर दिया, अमरनाथ की यात्रा बंद कर दी। आप यकीन नहीं करेंगे, अमरनाथ से लोगों को वापस लाए जो कभी नहीं हुआ है, और टूरिस्ट जो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे उनको होटलों से बाहर निकाला, और एक झूठी बंदूक अमेरिका की वो पहाड़ पर रख दी जो इन्होंने रखी, और कहा पिका गन हमें मिली है। मैंने झूठ देखा है, मगर इस हद तक हिंदुस्तान की हुकूमत झूठ बोलेगी तो किस खुदा के सामने वो जवाब दे? एक दिन तो जवाब देना है, हमारे सामने नहीं, उसके सामने तो देना है, वहाँ क्या करेंगे? हमारी टोटल इकोनॉमी बिठा दी, टोटल इकोनॉमी। आज आप देखिए, जाइए बाजार में देखिए, दुकान खुली है, कोई अंदर नहीं जा रहा है, पूरा ख़त्म कर दिया। हमारा टूरिज्म सबसे बड़ी चीज़, हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री थी, और टूरिज्म इंडस्ट्री को ये अमरनाथ यात्रा भी मदद करती थी। आपकी ये जो माता वैष्णो देवी की यात्रा होती है, जो लोग आते हैं वो माता के यहाँ भी जाते थे, उसके बाद कश्मीर आते थे, सारे कश्मीर में घूमते थे, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, बल्कि कई उनमें से लद्दाख जाते थे। आज ये हालत है, 5 अगस्त से सारे बैठ गए, होटल बैठ गए, दुकानें बैठ गई, शिकारे वाले बैठ गए, घोड़े वाले बैठ गए, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग बैठ गया है, और वो कहते थे यहाँ सोने की सड़कें बनेंगी, सोना ही सोना होगा, ये चोर थे जो पहले थे। हम चोर थे तो तब भी दुनिया तो चल रही थी,
मुझे तो दिखता कि आप डाकू हैं, आप लोगों ने डाका डाला हम लोगों के पेट के ऊपर, और इसका जवाब एक दिन आपको देना पड़ेगा। सर डीलिमिटेशन के लिए क्या बोलेंगे, डीलिमिटेशन करने की बात की जा रही है, आपको लगता है कि जिस सेंसेस पे ये डीलिमिटेशन कर रहे हैं वो ठीक रहेगा? देखिए डीलिमिटेशन करनी चाहिए थी, हम लोगों ने पार्लियामेंट में कानून पास हुआ था कि 2026 तक नहीं होगा सीटें बढ़ाना। हमने कानून पास किया उसी के मुताबिक असेंबली में कि हम लोग नहीं करेंगे 26 तक, जब सारे हिंदुस्तान में होगा हमारे साथ में होगा। आज भी मैं इनसे कहता हूँ ये गलत कर रहा है, यहाँ हुकूमत होनी चाहिए, लोगों की हुकूमत होनी चाहिए, फिर डीलिमिटेशन होनी चाहिए। ये आज अपने बंदूक रख के ये सब कुछ करना चाहते हैं, अपने लोगों को लाएंगे, अपने अफसरों को बिठाएंगे, जहाँ लाइन खींचनी होगी खींचेंगे। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ उनकी लाइनें वहीं रह जाएंगी, एक दिन इनको होश करना चाहिए। और सब इस समय अगर इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है तो एनसी पूरी तरह तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए? हम तो हर वक्त तैयार हैं, हम तो इनको वो जवाब देंगे जो इनने कभी देखा नहीं है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ उसके लिए तैयार रहें, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे भागने वाली नहीं है। हमने उन जमानों में भी लड़ा है जब कोई खड़ा नहीं था, जब बीजेपी वीजेपी कहीं नहीं थी, सब मरी हुई थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस निकली 96 में झंडा लेके। कहाँ थे ये लोग जो आज धंधना रहे हैं, कहाँ थे? आज पैसे पे खरीद के इन लोगों को खड़ा किया हुआ है, इनको यही लोग दफन करेंगे, ये उनसे कह दें। अच्छा सर एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि 202 के लिए आप क्या बोलेंगे? मैं क्या होता हूँ, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको इनको करना नहीं चाहिए। उसमें हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी, लाखों में हैं वो जो बेकार हैं। पहले उनका हक है बनस्बत के उनको देना जो यहाँ नहीं थे। तो 2 साल आप यहाँ रहें, 7 साल यहाँ रहें, तो फिर आपको यहाँ की नौकरियाँ मिलेंगी, जो यहीं पैदा हुए जो यहीं पर मरने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? इससे बिल्कुल ये गलत है, इसको टोटली वापस लेना चाहिए। ये नहीं कि ये आधा इधर करेंगे आधा वो करेंगे, वो नहीं चलेगा। इसको टोटली वापस लेके इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने गलत कानून बनाया। हमने सभी टॉपिक पे बात की, सभी चीज़ों को लेने की कोशिश की मैंने। मैं अब फरूख साहब जाते जाते कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भरोसा उस पर रखो जिसे हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो ताकत है, बाकी ताकतें सब झूठ है। और सच्चाई पर रहो, सच्चाई हमें आगे ले जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जो भी है इस रियासत की, वो तरक्की करें, कोई पीछे ना रहे। हमारी यही कोशिश थी जब से हम लोग हुकूमत में आए, जब लैंड टू टिलर किया वो क्या था, क्योंकि ये बेचारा किसान वो जम्मू में हो, वो कश्मीर में हो, कहीं हो, वो पिस रहा था और चंद लोग उसकी ऐश कर रहे थे। जब यहाँ पे एक नया कानून बना, तालीम ज़ीरो से यूनिवर्सिटी लेवल तक बिल्कुल आम हो गए, आज आपको ग्रेजुएट और एमए और पीछे पहाड़ों पर दिखेंगे, मगर उनका फ्यूचर आज ब्लैक है। उनका फ्यूचर बनाना, उनको वो नई ज़िंदगी दिखानी है जिसमें कि वो आबाद रहे, उनके माँ बाप आबाद रहे, उनके बच्चे आबाद रहे, उसकी तरफ कोशिश करनी है। उसके लिए हमें सबको इकट्ठे होना है, सबको इन प्रोपेगेंडों में नहीं जाना है, ये पाकिस्तानी है, ये है, ये वो है। उनको ये सोच के चलना है कि हमने कौन से रियासत बनानी है और सबके लिए बनानी है, ये एक के लिए नहीं है, ये जितने भी रियासत के रहने वाले उनके लिए बनानी है। बहुत बढ़िया, हमने सारी बातें की, सारी बातों को कोशिश की कि हम सारी बातें पूछ पाएँ, सारी बातें कहें। जैसे कि फरूख साहब ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने बोला कि पूरी रियासत को साथ लेके चलेंगे, सभी लोगों की तरक्की होनी चाहिए, सभी लोगों को। और उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए ये भी बोला कि हमने उस टाइम पे झंडा उठाया जब बाकी सरकारें जहाँ पे मुंह दिखाना नहीं चाहती थी, हमने उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस झंडा लेके आगे बढ़ी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें सुनने के लिए और हमें देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। दो क्वेश्चन।